डॉक्टर कपिल फिर विरोध क्यों? आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, क्या समझते हैं बागेश्वर बाबा की शख्सियत को आप कितना समझे जो उनके विरोध में उतर आए? मैंने 22 साल पहले किताब लिखी थी भगवत गीता के ऊपर, आई एम अ प्राउड सनातनी। मेरे हिसाब से सनातन धर्म इतना बड़ा है कि ये जो आप जिसको बाबा कहते हैं धरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। धरेंद्र शास्त्री जैसे लोग सनातन धर्म के ऊपर लाइबिलिटी हैं। ये 26-27 साल के बच्चे आ गए हैं, वो अपना इन्होंने धारण कर लिया है और ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, बट ये वो लोग हैं ये जो बहुत नैरो माइंडेड है बहुत चीजों। अब एक मिनट सुन लीजिए, आप आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब आप देखिए आप अपना व्यवहार दिखा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली डिसाइड करने वाले मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट की जज है, हाई कोर्ट की जज है, हु आर यू टू डिसाइड? आप एक दूसरे की बात पहले समझिए। अब मैं आ रहा हूँ बिहार। दीपा जी आप अभी समर्थन में कसीदे गड़ रही थी तो वो तो नहीं बोल रहे थे बीच बीच में, अब उनको भी बोलने दीजिए। कोई टॉलरेंस ही नहीं है, कोई टॉलरेंस ही नहीं है, पेशेंस डिस्प्ले करिए प्लीज। अब आप देखिए देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब एक स्टेट गवर्नमेंट का राइट है जब एक आदमी कह रहा है कि आप एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर के लोग विश्वास ना करें, ऐसा ना करें, उनका इंश्योर करना है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जैसी चीजों पे इंपैक्ट ना हो। पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ, इनको गुरु गुरु की उपाधि नहीं देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको मे बी ये हिंदू राष्ट्र की वजह से, इन सब चीजों की वजह से। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कैसे जवाब देंगे जो डॉक्टर कपिल कह रहे हैं, आप उसका जवाब क्या देंगे? विजय शंकर तिवारी, मैं एक विडक्ता बात कर रहे थे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि समस्या अब आपको ध्यान में आ गई, समीर जी ने भी वो विषय ले लिया। मैं सोच रहा था बीच में विषय आएगा और मैं उस पर चर्चा करूँगा जी। तो असली बात ये भीड़ नहीं है, भीड़ तो तकरीरों में भी होती है और लाखों लोग आते हैं उस पर, कोई और बड़ी बड़ी बातें होती, इससे भी बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिन पर विवाद होता है लेकिन उन पर भी कोई चर्चा नहीं होती है और हम चर्चा करते ही नहीं, विमर्श टीवी में भी नहीं होता है। इस पर टीवी में विमर्श इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जनसभाओं में वो जो लोग लोभ से लालच से और तलवार के बल पर और जबरदस्ती जो इस्लाम में या क्रिश्चियन बन गए हैं वो लोग वापस आ रहे हैं, तो वास्तव में जो घर वापसी की प्रक्रिया इन जनसभाओं में कई बार देखने को मिलती है, जो लोग चले गए हैं घर वापस आ रहे हैं, अपने यहाँ वापस आ रहे हैं हिंदू धर्म में, तो इसकी चिंता है देश में। ये जो विमर्श चल रहा है वो विमर्श किस विषय का है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये चिंता उठा रहे हैं कि जो देश में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं वो कम होनी चाहिए और उन्हीं के मंच पर आकर जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया था उसने ये बात कबूल की है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है।